नमस्कार दोस्तों, मैं एसवी आनंद, आपका अपना यूट्यूब चैनल भास्कर किचन गार्डन पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं आप सभी के लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ, शरीफा, जिसे सीताफल और अंग्रेजी में कस्टर्ड एप्पल के नाम से भी जानते हैं, जो मेरे गार्डन में लगा हुआ है और देख रहे हैं आप, फल भी लगा हुआ है। शरीफा का प्लांट आप बारिश के मौसम में लगा सकते हैं, जुलाई महीने में से लगाते हैं तो यह जल्दी ग्रोथ करता है। शरीफा का प्लांट 4 वर्ष में फल देने लगता है, मई महीने में इस पर फूल आने लगते हैं, जून में फल देने लगता है। आज जुलाई का महीना है, आप देख रहे हैं फल लगा हुआ है, सितंबर आते आते फल पकने लगता है। इसका प्लांट पूरे भारतवर्ष में पाए जाते हैं, यूपी और बिहार में तो आप इसके बहुत प्लांट आपको देखने को मिल जाएंगे। यह मौसमी फल है, बरसात के मौसम में इसमें पानी डालने की आवश्यकता नहीं होती है इसके जड़ में, और गर्मी के मौसम में आप सप्ताह में एक बार इसके जड़ में पानी आप डाल सकते हैं। बीच बीच में आप इसके जो टहनी है इसकी आप छटाई करते रहें। मुख्य रूप से इसमें जो इसके टहनी है इसमें दीमक लगता है और इस तरह से इसकी टहनी जो है ख़राब होने लगते हैं, तो इसके लिए आप इसके जड़ में क्लोरोफायरीफास आप डाल सकते हैं, और जो इसके पत्ती हैं और फलों पर कीटनाशक का बीच बीच में महीने में एक बार आप छिड़काव कर सकते हैं। एक बात तो हमेशा ध्यान देने वाली है कि जब इसमें फल आने लगे तो आप इसके जड़ में 20 से 25 दिन में आप खाद डालें ताकि जो फल हैं वो ज़्यादा ग्रोथ करें। एक जो प्लांट है इसमें लगभग 100 से 125 जो शरीफा का जो फल है वो लगता है, आप देख रहे हैं इसमें भी लगा हुआ है। तो इसके जड़ में मैं जो जैविक खाद है वो आज मैं डाल रहा हूँ। सबसे पहले थोड़ा सा मिट्टी उसके जड़ से हटा लेंगे इस तरह से, और जो घर पर ही मैं तैयार किया हूँ जैविक खाद, गुड़ और पीपल के नीचे के मिट्टी और बेसन से जो इसमें बनाया गया है और बना कर रखा गया था, इसको हम आज जड़ में डालेंगे। इस तरह से आप फॉगिंग कर सकते हैं, छिड़काव कर सकते हैं पत्तियों पर, देख रहे हैं फल पे भी। इसमें विटामिन सी और आयरन में परिपूर्ण मात्रा में पाया जाता है इस फल में, और सबसे बड़ी चीज़ है कि इसे आप एक बार लगाते हैं तो 90 से 100 वर्ष तक इसकी आयु है, 100 वर्ष तक ये फल देगा। और इसके पत्तियों का भी आयुर्वेद में बहुत ही महत्व है, चर्म रोगों से संबंधित इसका दवा बनाया जाता है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करें, शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो ला सकूं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।